सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, ख्याल बाहर जाण तो रोकिए, चित विरतियां नूं एकागर करिए, रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी, सतनाम श्री गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश होई है। वतना तो दूर प्रदेश कनेडा दी धरती ते सत्कारयोग भाई साहब भाई जगदीश सिंह जी समूह परिवार वालों सतगुरु जी का ओट आसरा लिया गया है। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। पातशाह जी दी रहमत है कि इत्थों किड्डी दूर वतना तो भी किड्डा सत समुंदर पार जिथों ये परिवार आया, कृपा है रतवाड़ा साहब महापुरशां दी उस दे नेड़े नगरी जिथे वो महापुरशां ने भाग लाए, जिथे बैसन साध जन सो थान सोहंदा, उथे किड्डी बख्शिश कीती, जिथे साधुआं दे चरण पै जान धरती नूं भाग लग जांदे हन। उजाड़ बियावान ओ बिरान धरती 1986 विच महापुरशां ने चरण पाए, उस नगरी नूं रतवाड़ा साहब साहिबी प्राप्त होई, फिर बख्शिशां होईयां, महापुरशां ने सारा परोपकार दे लेखे ला दिता, अपना तन भी मन भी धन भी जिम्मेवारियां निभाउंदे होए, राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रिस्त में भोगी, त्याए त्याए भगतां सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया। बचपन तो ही सतपुरश राड़ा साहब वाले संत बाबा ईश्वर सिंह जी वड़े महाराज जी की संगत मिली, दिलां दे सौदे हो गए। संयोग बस ये हुंदा है परिवार होया नाल जीवन साथी सत्कारयोग बीजी दा साथ जन्मां जन्मां तो निभिया। जदों बच्चे पढ़ लिख के इधर सैट हो गए, फिर उन्होंने सारी जिन्ना सी तन भी मन भी धन भी उत्थे ला दिता, जिथे किन्ने परोपकार परा विद्या दे होए, स्कूल कॉलेज चले, अपरा विद्या जी दान दे भगती लायण, हर सिंह लैण मलाए, रूहानी सेध बख्शिश कीती, दृष्टि पई ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वरसी। किन्नी गरीबी सी, हर खल च आर्थिक हालत भी बहुत ऐसी सी
कि देखिया कि वो इलाके जमीना थोड़िया, फिर दूसरी अनपढ़ता, ते फिर बड़ी गल के सिखी तो बहुत दूर सन। ये तो जो महापुरशा ने घर घर जा के जाग लाई, नगर नगर गए, किन्या दे जीवन बदल के रख दते, जीवन दान बख्शिश कीते, ते फिर वो बचन साध बचन अटलादा, अज वो बचन प्रतख वरत रहे हैं कि ये इलाका जिसनों बैकवर्ड कहते ने फारवर्ड हो जाना, उत्थे शहर बन रहा है न्यू चंडीगढ़, ये बचन सफल हो चुका है। फिर दूसरा सारे ने कहना कि असी तो गरीब हाँ, पछड़े हुए हैं, कहते लिस्ट उल्टी हो जानी, यही तुहाडियां जमीना करोड़ां च हो जानियां। वो भी बचन सफल हो गया। तीजा बचन कि जिमें आ यूरोपियन कंट्रीज देश अमरीका कनेडा वड्डे देश हैं, इन्हां दे विच पंजाबी बैकडोर राही आउंदे, इलीगल आउंदे। 1998 जो महापुरश इधर कैलीफोर्निया वल गए, जथा दे विच एक ऐसा भी प्रेमी आ गया जिसनों अजे कम नहीं सी मिलिया, डोंकी राही मैक्सीको वालों बॉर्डर टप के आया सी, 2 महीने नाल ही रहा। पुछया कि तेरा की टिकाणा कम कार, कहन लग्या जे कुछ है नहीं सी इस करके मैं तुहाडे जथे ची सेवा करदा हाँ। महापुरश कहिंदे देखो किन्ना औखा है सफर तय करना, बॉर्डर टप्पणे। वो चाहुंदे सन कि बच्चे पढ़ लिख के आउण, जिन्ने अस्थान सन सारयां दे उत्ते फिर उन्होंने स्कूल कॉलेज बना दिते, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बनाया, भाग बदल दते कि बच्चे पढ़ लिख के बाहर जाण, होर पढ़न, होर उचेरी विद्या सतगुरु जी इन्हां नूं बख्शिश करन। सो ये किन्ने बच्चे देखी दे हन पिछले 3 महीने तो, 18 फरवरी तो साडा इधर दा सफर शुरू होया कैलीफोर्निया, जिते बाबा सतनाम सिंह जी ने बहुत सेवा निभाई लगातार। उन्होंने 30 साल इधर इन्हां देशां विच सत्संग दे प्रवाह चलाए। सत्संग भी जिहड़ी उहदी निशानी है प्रैक्टिकली करके दिखाई। उन्होंने अपने परिवार विच रहिंदे होए अमृत वेले श्वास क्रास का अभ्यास करवाउणा, अंत समा आउणा ही है, इस नूं असीं कहना जां सुनना नहीं चाहुंदे, पर इह अटल सच्चाई है। किन्ना खुशी खुशी कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। 23 फरवरी दा दिन 2019 दे विच उन्होंने खुशी खुशी इत्थे ए माया तो निर्लेप उन्होंने उस सत्संग दे राही वो जुगतियां खुलियां वरताइयां, खेडां वरतियां, उन्होंने उस घर च जाना कीता। सो उस दिन मनाया जाता है हर साल भी, सानू उन्हां दे बचनां दे बन्ने होए इधर आना पैंदा है, पर इत्थे आ के क्योंकि उत्थों तो कल्ले ही आई दा, इत्थे किड्डा ये जथा हो जाता है। ये भी उन्हां महापुरशां दी बख्शिश है, क्योंकि जिहड़े बचपन तो ही लग जाते हैं वो फिर इस इको लगन लगी लई जांदी टोर अनंत जिन्हां दी, बसलों रे मकाम ना कोई चाल पे नित रहिंदे। ये भाई मनजीत सिंह जी, इन्हां दा परिवार भी उत्थे रतवाड़ा साहब बजुर्गां तो ही जुड़िया, अगे फिर भाई राम सिंह जी नंगल उधरों जिहड़े हुण इत्थे बच्चे हैं, जगजीत सिंह जग्गा जी, सोनी जगमोहन सिंह जी, किन्ने प्यार वाले जग्गी जी, जगतार सिंह जी हुणे ही कीर्तन सुना रहे सन। लगातार पिछले साल भी 4 महीने नाल ही चले, नहीं तो इत्थे किसे नूं की बेल है, इत्थे तां हैंड टू माउथ है, कम करके ही मिलदा है। उत्थे तो चलो कृपा है, गुरपीरां दी धरती ते कई कोट बैठती ही खाए, इत्थे देखिया कई कोट घाले थक पाए, घालना घालनी पैंदी है,
इस तरह के नाल कृपा है। पहला असी उधर एडमिंटन ज़्यादा आते इतें क्योंकि कुदरती हंदा है, बड़े प्यारा परिवार है, परमजीत सिंह जी हैं, जतेंद्र बच्चियाँ सारे प्यार वाले, मनप्रीत किन्नियाँ प्यारियाँ खेडां वरतियाँ हैं कि उत्थों एडमिंटन तो रघुवीर सिंह जी राजू जी इत्थे आ गए ते हुण इत्थे भी किन्नियाँ रौनकां लगदियाँ हैं। ते एक कृपा है, बख्शिश है, सो अज इत्थे बच्चे बहुत प्यारे ने, बच्चियाँ ने किड्डी कृपा कीती, महाराज जी की बख्शिश है, संजोग वियोग धुरों ही हुआ, दोवें बच्चियां दे संजोग बने, रुपिंदर कौर गगनदीप कौर प्यारियां बच्चियां हैं, नाम बाणी नाल जुड़ियां हैं। बड़ी खुशी हुई सुनया जदों क्या सतगुरु जी ने जिहड़े घर बख्शिश कीते हैं, जह प्रसाद वसे सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर, इत्थे एक मंदिर वांगू बन गया। इन्हां बच्चियां ने आप सहज पाठ कीता है, आदि तो मध संपूर्ण पाठ कीते हैं, ते अज बहुत ही प्यारे इत्थों गुरु घर दे वजीर भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी, जिन्हां नूं माण प्राप्त है, वो पवित्र धरती बाबा बुढ़ा जी दी अमृतसर उत्थों आ के किन्हां संगतां नूं नाम बाणी नाल जोड़ते हैं। सुखमनी साहब सुनिया उहदे विच वी ये बार बार यही प्रेरणा मिलदी क्योंकि बाणी सारी ही सेवा नाल सिमरन नाल जोड़दी है। ते ये जिहड़े दीन अते दुनिया दे चारी पदार्थ हुंदे हन ये सेवा वालियां नूं मिलदे ने। आ काका जी प्यार नाल छोटे नां ने, बनी जी, अनमोल सिंह, मनप्रीत सिंह, उत्तर हरजोत सिंह, बहुत प्यार वाले, जदों भी रतवाड़ा साहब जदों छोटे छोटे होना बच्चों नूं नाल लै के इन्हां नूं स्वामी जी ने नगर नगर च जाना, उत्थे क्योंकि प्यार दी ओह धरती है जिथे महापुरशां ने प्यार ही वंडिया। कदे संसार सो प्रसिद्ध जोगी स्वामी राम जी आउंदे, हुण भी उत्थे स्वामी आत्म ज्ञान आनंद जी निवास रखते ने साडा, भावें कि नगर पर वो ज़्यादा उत्थे जाते ना, बच्चों नाल उन्हां दा प्यार बचपन तो ही लै उन्हां नाल जोड़िया, ते किन्नी सेवा कीती है, ते अज सेवा किन्ना रंग लियाई है, पातशाह दी बख्शिश है, हार्ड वर्कर हन अज, क्योंकि दाता पा के दतार नूं भुल जाना इंसान दी फितरत है, आदत है, पर जिहड़ा दात नूं पा के दतार नूं याद करदा है उस नूं सतगुरु जी होर निहाल करदे ने। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, क्योंकि बाणी सारी नाम नाल जोड़दी है, बाणी पढ़ी है सुनी है, इस दे नाल सारयां दा भला हो जांदा, परिवारां विच फिर कारोबारां विच वाधा हो जांदा है, क्योंकि सतगुरु जी दे ए इन्ने हन, जिहवा एक अनेक गुण तर नानक चरणी पाए, जिहवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी अंत ना किन्ही लई है, किड्डियां ये बख्शिशां होया करदियां हन। सो सतगुरु जी दी ये रहमत है कि ये सतगुरु जी जो बाणी गुरु गुरु है, बाणी किन्ना भला करदी है, जिस दे कान च भी पैंदी है। तुसी इन्ने रझेव्यां चो, अज तां वर्किंग डे है, काम कार दा दिन है, पर इस परिवार दे प्यार विच तुरो नेड़ों चल के आए हो, जिस कान च पई बाणी वातावरण ही पवित्र हो जांदा। वो घर तां दी गल तां छड्डो, ये शरीर दी गल छड्डो, देही किसकी वापरी, पवित्र होए को ग्राम, सारा वातावरण शुद्ध हो जांदा, इत्थों तक कि ये पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, ऐसियां भी जिहड़ियां रूहां हुंदियां ने पशु प्रेत दियां,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਜੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਭੋਗ ਜੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਵਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੈ ਟੂਟਾ। ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਣੀ ਕਿੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਗੇ।
मनन दी गल है इत्थे बड़े बड़े कारोबार हन पर उन्हां दे परिवार बच्चे किस पासे वल जा रहे हन। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिन को व्यापे चिंता रोग, क्योंकि कारोबारां वल ध्यान सी, बच्चियां नाल टाइम स्पेंड ना होया, समा बतीत ना कीता, इन्ना काम शिफ्टां च कीता। कईयां ने तां जदों बीबी घर आउंदी घरवाला काम ते चला जांदा, घरवाला काम आउंदा बीबी काम ते चली जांदी, बच्चियां नूं मिलण तक दा समा नहीं। उन्हां दे बेबी सीटर हन। तो ऐसा भी देखिया है प्रॉपर्टियां बड़ियां हो गई, जायदाद बहुत बड़ी हुई, पर असली जायदाद जिहड़ी है जनरेशन आने वाली है जिस दे राही परिवार का भला होना। जे आप अपना पहला भला करते हैं, मन्ने की गत कही ना जाए, ओ फिर मन ली गल अंतर मन सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल ना हो, उस नूं देख के ही किन्ना हो जांदा भला। आप सवारी मैं मिल है, मैं मिलया सुख होए, ये तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। ਕਿੱਡਾ ਉਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। इस तरह के नाल जो रूहां का भला हो गया महापुरशां का, जिहड़ा परिवार की कुल रुक चुकी सी, एक साल के अंदर अंदर पाठ होए, बच्चे अगे परिवार च भी वाधा होया, कारोबार च भी वाधा होया। फिर उन्हां नगर दियां रूहां जितों सतपुरशां की मात भूमि राड़ा साहब के नेड़े नगर धमोट, उत्थे उन्हां दियां रूहां उन्हां नूं बेनतियां करन। फिर सतपुरशां ने 50 साल बाद अपने ही नगर विच सत्संग रखे, क्योंकि नगर वालियां नूं परिवार वालियां नूं कदर घट हुंदी है, रिश्तेदार होण ओह पुराणे ही ना लैणगे। तुलसी तहां न जाइए जहां अपना धाम, गुण औगुण जानत नहीं लेत पराणा नाम। फिर सत्संग दा महात्म दिता, 5 सत्संग उत्थे कीते जिथे उन्हां दे संस्कार होए। अज मंडी अनाज मंडी है, कहबे को सोभा नहीं, कहण च तां गल छोटी रह जांदी है, क्योंकि ये ऐसियां अवगत रूहां अदृश्य काम सतपुरशां राही हुंदे ने, जिन हर पायो तिन छपायो, क्योंकि वह नाम बाणी नाल जोड़दे ने, ते इस नाल सारयां दा ही भला हो जांदा है। पशु तार गे प्रेत तार जाणगे, मां बाजी श्री वाणी सुन
तर जाने बाबा जी तेरी वाणी
ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟਕ ਜੱਗ ਫਲਾ। ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਨੀਤ। ਸੌ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਨੀਤ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਪਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਚ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਇੱਕ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪਰਾ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਜਹ ਮਾਰਗ, ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। 24.5 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਅੱਖ 15 ਵਾਰੀ ਝਮਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨੇ, ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
सुखमनी साहब जी दे पाठ कीते बहुत प्यारे भाई सतनाम सिंह जी इत्थे गुरु दे वजीर तुहाडे विच विचरदे होए नाम बाणी दा प्रचार करदे हन ते गुरु वड्डी कृपा है प्रचार केंद्र गुरु अस्थान जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा इत्थे गुरु स्थान बने हन ते होर भी कृपा है कि आप बच्चियां ने पाठ कीता फिर सुखमनी साहब जी दे पाठ होए सहज पाठ होया किड्डी घर दे बख्शिश होई है देसां परदेसां दे विच नहीं इन्नी छेती सैटल होना जिंदगी ही लंघ जांदियां हन जे घर ही देखो किन्ना लंबा समा 30 साल का तो लोन ही हुंदा बड़ा औखा हुंदा है इत्थे इन्ना सौखा जीवन नहीं असीं इत्थे तो देखदे हां कि बड़ा सोहना है पर जदों आप प्रैक्टिकली करना हुंदा फिर पता लगता है सो ये भी बख्शिश हुंदी है सतगुरु जी दी सौखा हो जाता है ये लोक दे भी सुख ते परलोक च भी उत्थे भी फिर रे रे दरगह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव शुभ आदर देंगे सो ये घर पवित्र होया किन्नियां रूहां दा भला होया ते तुसी आ के हाजरी भरी कई कोट करोड़ां जगां दा फल मिलदा है कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम एक कदम चलो गुरु वल नूं किन्ना सतगुरु कोट पेंडा अगे होए ले ते चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुरु कोट पेंडा अगे होए ले ते भावनी नूं फल लगदा है तुसी इन्ने रझेवियां भरी बिजी लाइफ चों समा कढ़िया सो इस तरह जरूर करया करो यही काम आना है सवेरे उठते ही थोड़ा जा समा ला लिया हुणे सुखमनी साहब च आपां सुणिया की सुणिया पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतर चिंद स्वास दे राही सतपुरशां ने जिहड़ा आत्म मार्ग मैगजीन रतवाड़ा साहब तो प्रकाशित किया गुरबाणी के प्रकाश विच प्रिंट हुंदा है पहला वड्डे संत महाराज राड़ा साहब वालियां दे बचना अनुसार इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की वरतों की 3-3 घंटे दियां फिल्मां बनियां फिर उस तो बाद ये प्रिंट मीडिया की वरतों हुई 100 साल दे ये लिटरेचर छपदा रहना है हर वारी बचन आउंदे ने ऐसे साहिब मेरा नीत नवा क्योंकि महापुरशां दा अनुभव प्रगट होया है 51 दे करीब पुस्तकां छपियां फिर इंग्लिश च हिंदी च रिलीज़ कीतियां एडेडियां वड्डियां 86 भाषा च पुस्तकां छपियां हन बड़ियां फेमस होईयां हमालिया दे संतां संग नवास वो पढ़ के देखो किन्ने साधना संपन्न जीवन हुंदा है लिविंग विद दी हिमालयन मास्टर सो ये सारे नाम बाणी दे प्रचार प्रसार वास्ते हुंदा है क्योंकि सतपुरश संत संग अंतर प्रभ डिठा अंदर दा रास्ता दसदे ने उहदा नाम ही आत्म मार्ग रख्या संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए बाणी तां आपां पढ़दे हां बाणी जिन्नी भी वध पढ़ो ये फलदायक है ये ना सोचो मन लगदा जां नहीं लगदा क्योंकि जिमें साबण काम करदा मूत पलीती कपड़ होए देस साबुण लईआ ओ धोए मिसाल है साबण नूं ध्यान ना ला लो बेध्याने ला लो मैल कटदा ही कटदा इहनूं पढ़ो पढ़ी चलो पर ये बाणी अगे की दसदी है यह बाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवे हर नामा ये सारी नाम नाल जोड़दी नाम अंदर है उत्थे तक पहुँचण वास्ते नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम ओ स्थान दी निशानी सुन समाद अनहतैनाद कह न जाई अचर्ज बिस्माद गुरु तो मंत्र लेना हुंदा है नाम तो नहीं कोई देंदा ना दे सकया ना मिलदा नाम तो अंदरों मिलना है
उत्थे तक पहुंचना किमें है, गुरु मंत्र देंदे ने। साडे घर दा मंत्र मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है, वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप होमे खोई। सारी बाणी दा सार मूल मंत्र च है। ये मूल मंत्र जिहड़ी जपजी साहब है, 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी दे हन। जपजी साहब की व्याख्या है, मूल मंत्र की व्याख्या जपजी साहब है, गुरु मंत्र की व्याख्या मूल मंत्र है। तो सतगुरु जी ने एक दी एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती इस अवस्था तक सानू बाणी ने पहुँचाना है, जिथे असी बैक टू सोर्स जिथों साडा सफर शुरू होया, अनंत काल तो संसार जात तो बनिया सृष्टि रची। ये सफर चलता आ रहा, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ए देह सजरिया। ये सफर नू किवें खत्म करना, जो जुगत हुंदी है वाहिगुरु पहला बोल के करो, जिवें छोटियां क्लासां च बच्चे मुहारनियां पढ़दे, जीहन च चला जांदा। फिर उस तो अगे हुंदी है मध्यमा बाणी, बुल हिलदे ने, जीव हिलदी, आवाज़ बाहर नहीं अंदर सुनाई दिंदी, फिर हिरदे च आ गया, बिन जीवा जीवा ही नहीं उत्थे कम करदी। जो जपे आए हिरदे च अनुभव हुंदा है, कोई जाने कैसा नौ। फिर इत्थे आ जांदा परा बाणी च, वो है सवास। तुसी देखो अज तो मेडिकल साइंस दसदी है, रिसर्च हो रही नित नवी, पुराने जड़े ड्रॉबैक पिछे रह जाते हैं कि ये क्योंकि जिहड़ी साइंटिफिक है गल्लां सारियां, महापुरशां ने अनुभव कीतियां हन, संतन की सुन साची साखी, एवें तो बोले नहीं पर थाए साखी, महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। गुरमुख होए सो भौ करै, अपना आप पछाणै, आपे दी सैल्फ रिसर्च, संत संग अंतर प्रभ डीठा। सतवें समागम ते नहीं कोई साधु दसदा नहीं, उन्होंने डेमो दिता, प्रदर्शन किया, डेमोस्ट्रेट किया कि इस तरह धुन बना लो, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने। गुरमुख अकथ कहानी, क्योंकि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द धुन है, धुन वाल नू सुरत ने जाने ही। जो भी तुहाडा समा मिलता ये जरूर करो, फिर देखो रिजल्ट, एकदम नैट रिजल्ट मिलू की मिलू। तुहाडा जिहड़ा किन्नी डिप्रैशन है, स्ट्रैस है, ब्लड प्रैशर है, स्ट्रेन है, अज जो जो दिसै सो सो रोगी, चिंतित ही दिसै सब कोई, इस दी जगह ते थोड़ा जिहा समा कढ लो, बहुता नहीं, बहुता तो तुहाडे कोल जे कह दईए मिलना ही नहीं, पर उन्ना क वादा करो कि चलो निभ जावे, आखिरी सुहास ते ये आ जावे। सो उठते ही कर लो शुरू, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। काम तो चलते ही रहने ने, हाथ पाँव काम सब वो तो होंदे ही रहने ने, जिहड़ा चित नूं उहदे नाल जोड़ना है, नाम नाल जोड़ना है, चित निरंकार वल, हथ कार वल, हथां पैरां ने तो काम करना, पर सवेरे 5-7 मिंट ही चाहे बैठ के कर लो। स्पाइन रीढ़ दी हड्डी सीधी रखो। सतवें समागम ते सतपुरशां ने धुन बना के दिखाई कि सवास अंदर नूं जांदा वाहे, बाहर नूं आउंदा गुरु। एक दिन इन्हें बाहर जाना, आपे ही उत्थे अगे काम गुरु दा अंत ले छड़ाया। सो ये जरूर करया करो, फिर आपे ही हुंदा चले जाना, सास सास सिमरो गोबिंद, जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, ध्यान बन गया, सिमरन उहदी याद बन गई, बाकी काम फिर अगे आपे ही। किन्नी उच्ची अवस्था है, किन्ना पीस ऑफ माइंड है, मन दी शांति है। सो इस नूं जरूर करया करो। रतवाड़ा साहब वैबसाइट बनिया हन, हुण तां मीडिया दा युग है, डाउनलोड कर लो, उदों पता लग जांदा मैडिटेशन टकनीक। सो ये जरूर करो, जिवें सत्संग उहनूं ही कहा है, सतसंगत कैसी जाणी है, जिथे एको नाम बखाणी है। ये जरूर ये वादा करो, क्योंकि आए वादा ही करके बार सी, गर्भ च कहा सी, उत्थे यही करदे सी, गर्भ कुंट में उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते,
पर वादा भुल गए। वह बाणी याद करवाउंदी है कि वेख प्यारिया तू एक बाकी छड़ दे आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग। हुण बेनती हो रहेगी साडे कोल दासां दी अरदास ही हुंदी है ऐसी मांग गोविंद ते टहल संतन की संग साधु का हरनामा जप परम गते। फिर जुगत भी दस दें किवें करो आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार। तुसी नमस्कार की कर डंडौत पुन वड्डा है। हुण अरदास करिए सेव परिवार नूं सेवा मिली क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जियो। ऐसी सेवा सारी पदार्थ बख्श दिंदी है जो तनो मनो तनो असी सेवा करिए। चार पदार्थ जे को मंगे साध जना की सेवा लागे। होर भी देखो किड्डे किड्डे दुख ने जे को अपना दुख मटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए होमे शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तां के बल बल जासा। ए तीर्थ किए एक फल संत मिले फल चार गुरु मिले फल अनेक हैं कहत कबीर विचार। जितड़े फल मन वांछे तितड़े सतगुर पास। सो जरूर ए बेनती प्रवान करो। थोड़े जे दिन हैं इत्थे भाई साहब भाई रघुवीर सिंह जी प्यार नाल सारे राजू जी कहिंदे हन उत्थे जथे दा निवास है ब्रह्मटन विखे। सो जो भी जिथे भी सत्संग थोड़े जे हैं इत्थे 23 तरीक तो फिर उधर जाना कैलगरी एडमिंटन वाल 1 जून की वापसी है। वतना की वापसी 1 जून नूं इत्थों टोरंटो तो ही है। सो इस तरह के प्रोग्राम हैं इन्हां दा वध तो वध लाहा लईए तां जो सानू ये समा संभाल सकीए ते उह जुगत नूं फड़ सकीए जिहड़े साडी कम आउणी है। ये स्वास ते आ जावे वाहिगुरु मंत्र फिर देखो आपे इहदा रिजल्ट अगे भी सुखी ते इत्थे भी सुख है। सो धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा जिहड़ा इन्ना प्यार नाल बैठ के सत्संग कीता। भाई साहब जी ने किन्ना लंबा समा नाम बाणी नाल जोड़े सुखमनी साहब होए सहज पाठ होए। सो सारिआं दा ही धन्नवाद सतगुरां दा कुटान कोट धन्नवाद। आओ जिहड़े नहीं भी हुण तक बोले हुण समाप्ति च जरूर अपनी रसना पवित्र करो। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए I'm not afraid.
कन्न गुरु हर राय जी कन्न तन है गुरु हर कृष्ण जी तन तन गुरु तेग बहादुर जी हो तन है गुरु गोविंद सिंह जी तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी हो तन है पंथ खालसा तन है तेरी साथ संगत जी सतनाम से वाहे 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 गुरु तेरा मिठड़ा लगेगा बोल प्यारिया जी सत नाम तेरे वाहे गुरु तुम